मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आज भी उन्होंने सुबह 6:30 पर ही अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके अलावा कल भी उन्होंने कलेक्टरों के साथ बैठक कर सकती दिखाई थी। वहीं आज उन्होंने कुपोषण को लेकर भी अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने अहम निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे बच्चे कुपोषित क्यों हो रहे हैं, यह बड़ा सवाल है, हमें इसे रोकना है। सीएम शिवराज ने कहा कि मैंने बड़ा फैसला लिया है, मैं भोपाल में निकलने वाला हूं आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने इकट्ठा करने, हाथ ठेला लेकर, क्योंकि लोगों को जोड़ने का यह मेरा मिशन है, क्योंकि यह केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की ड्यूटी नहीं है कि बच्चों को कुपोषण से मुक्त कर दें, इसके लिए हम सबको जुटना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि समाज में अवेयरनेस आना चाहिए। मैंने अपने क्षेत्र में किसानों से आह्वान किया कि फसल आई है, आंगनवाड़ी में कुछ गेहूं दे दो। कई जगह लोगों ने आंगनवाड़ी भर दी है, किसी ने 50 किलो, किसी ने 25 किलो, कोई कमी ही नहीं रही। इतना पोषण आहार आ गया, हर जिले में ऐसा ही करना चाहिए। सरकार और पोषण आहार एक पक्ष है, लेकिन जन भागीदारी जुटाना और लोगों के मन में यह तड़प पैदा करना कि हमारे बच्चे कुपोषित नहीं रहेंगे, यह दूसरा पक्ष है। आंगनवाड़ी में जिन चीजों की जरूरत है, कई जगह खिलौनों की जरूरत है। मैंने तय किया है कि मैं आज तारीख तय कर रहा हूं, मैं खुद भोपाल में हाथ ठेला लेकर निकलूंगा कि बोलूंगा बच्चों के लिए खिलौने दो। यह अवेयरनेस क्रिएट करके लोगों को जोड़ने का प्रयास है, इस प्रयास से सभी लोगों को जुड़ना चाहिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुपोषण को लेकर अधिकारियों को सख्ती से काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कुपोषण को खत्म करने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा ताकि जल्द से जल्द निजात मिले। मैं जब जाएगा, मैं भोपाल में निकलने वाला हूँ बच्चों के लिए खिलौने इकट्ठा करने, हाथ ठेला लेके आंगनवाड़ी के लिए। ये मेरा एक मिशन है लोगों को जोड़ने का कि हमारे बच्चे कुपोषित क्यों रहे। अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अकेले की ड्यूटी थोड़ी को कुपोषण से मुक्त कर दें, समाज में अवेयरनेस आना चाहिए। मैंने अपने क्षेत्र में आह्वान किया किसानों से कि फसल आई है आंगनवाड़ी में कुछ गेहूं दे दो या जो और फसल है। कई जगह लोगों ने भर दी आंगनवाड़ियाँ, किसी ने 50 किलो, किसी ने 25 किलो, कोई कमी नहीं रही, इतना पोषण आहार आ गया। सरकार और पोषण आहार वो एक पक्ष है, लेकिन जन भागीदारी जुटाना और लोगों के मन में ये तड़प पैदा करना कि हमारे बच्चे कुपोषित नहीं रहेंगे, वो दूसरा पक्ष है। और आंगनवाड़ी में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, कई बार खिलौने की ज़रूरत है, मैंने तय किया है कि मैं भोपाल में आज तारीख तय कर रहा हूँ, मैं खुद हाथ ठेला लेकर निकलूँगा और कहूँगा बच्चों के लिए खिलौने दो। ये अवेयरनेस क्रिएट करके लोगों को जोड़ने का प्रयास है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत, राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।